दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए डेल के सिस्टम में एक एरर आ रही है। डेल लैटिट्यूड E4300 सिस्टम है 4300। काफ़ी सारे ऐसे ही डेल के सिस्टम में एक एरर आती है। जैसे हम पावर प्लग इन करते हैं, जैसे हम पावर देते हैं सीधा हमें चार्जर से लैपटॉप को, तो वो अपने आप ऑन हो जाता है। तो इस एरर का सोल्यूशन इसी वीडियो आपको मिल जाएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ। नमस्कार दोस्तों, प्रवीण ढांडा स्वागत करता हूँ आपका 1 मिनट सॉल्यूशन चैनल में। देखिए जैसे मैं इसका अडेप्टर अटैच करता हूँ, जैसे मैं प्लग इन करता हूँ अडेप्टर को, तो कुछ सेकंड के बाद अपने आप स्टार्ट हो जाता है। देखिए जैसे अडेप्टर की पावर दी तो उसके बाद ये स्टार्ट हो गया। ऐसे ही जो डेल के लैपटॉप हैं, काफ़ी मॉडल्स हैं जिनमें एक सेटिंग होती है उसकी वजह से एरर आती है। हमें बायज में चला जाना है अपने लैपटॉप की, इसमें F2 प्रेस करते हैं तो भी बायज खुल जाती है। अगर आप डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो भी आपकी बायज, सिस्टम की जो बायज है वो खुल जाएगी। उसके बाद कुछ छोटी मोटी सेटिंग्स हैं जिनकी वजह से ये बार बार ऑन हो रहा है। जैसे आप चार्जर को प्लग इन करते हैं तब ये अपने आप ऑन हो जाता है, और उस सेटिंग को रिस्टोर करने के बाद आपका जो लैपटॉप है ये बिल्कुल प्रॉपरली वर्क करेगा। जब आप चाहेंगे शट डाउन करेंगे तब शट डाउन होगा। चार्जर बीच में लगाएं हटाएं कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो देखिए जैसे ही बायज खुल जाती है उसके बाद हमें बैटरी इन्फॉर्मेशन में जाना है। जो बैटरी इन्फॉर्मेशन आपके सामने दिखाई दे रहा है, बैटरी इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, उसके तुरंत नीचे देखेंगे लोड डिफॉल्ट दिखाया गया है, उसको क्लिक करेंगे और ओके प्रेस कर देंगे। जैसे हम ओके कर देते हैं उसको अप्लाई कर दें, उसको दोस्तों आपको अप्लाई करना है और एग्जिट कर देना है। एग्जिट करने के बाद आपका सिस्टम एक बार फिर से रिस्टार्ट होगा जैसे चल रहा था। देखिए रिस्टार्ट होगा, उसके बाद मैं इसे शट डाउन करूँगा और फिर आपको एक बार अडेप्टर निकाल के दोबारा से लगा के दिखाऊँगा कि आपका ये जो सिस्टम आपके सामने ये रिस्टार्ट हो रहा है पावर लगाते ही या नहीं हो रहा है। इसे पूरा ऑन होने देते हैं, देखिए ऑन हो चुका है। अब कर देते हैं इसे शट डाउन, देखिए प्रॉपरली पावर ऑफ हो चुका है। एक बार से मैं इसका अडेप्टर निकाल देता हूँ। अब ये चार्जिंग जो लाइट है वो ऑन है, पीछे से जैसे ही अडेप्टर निकाल देते हैं चार्जिंग लाइट भी हमारी ऑफ हो जाएगी। ये देखिए अडेप्टर निकाल दिया है, चार्जिंग लाइट ऑफ हो चुकी है। अब फिर से मैं अडेप्टर लगा रहा हूँ, देखिए मैंने अडेप्टर लगा दिया, चार्जिंग लाइट आएगी इसके अंदर, चार्जिंग लाइट आ चुकी है बिल्कुल। थोड़ा वेट करते हैं हमारा सिस्टम ऑन होगा या नहीं होगा, तो चलिए देख लेते हैं। कुछ टाइम और वेट करते हैं, देखिए सिस्टम ऑन नहीं हो रहा है। तो ये था इसका सॉल्यूशन। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। जय हिंद जय भारत दोस्तों।